फ्रेंड्स, यदि आप भी किसी कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे या फिर कर रहे हैं या फिर कोई पीएफ की कंसल्टेंसी चलाते हैं, आप सभी लोगों के लिए आज की नई वाली वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, ईपीएफओ के यूनिफाइड पोर्टल पे एक बहुत ही बड़ा अपडेट और एरर दोनों एक साथ ही देखने को मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या है वो अपडेट या फिर एरर, आज के इस नए वीडियो में डिटेल्स में जानने वाले हैं और इससे आपको क्या बड़ा फ़ायदा और नुकसान होने वाला है सब कुछ समझने वाले हैं। यदि आप भी जानना वो लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो में बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम अपने यूनिफाइड पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉग इन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि इन एम्प्लॉई ने अपना क्लेम पैसे निकालने के लिए किया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक क्लेम स्टेटस में कि इनका जो भी क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया गया है ईपीएफओ के द्वारा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लेम रिजेक्टेड, बैंक केवाईसी नॉट डिजिटली अप्रूव्ड बाय एम्प्लॉयर। जी हाँ फ्रेंड्स, हालांकि इनका जो बैंक अकाउंट है पूरी तरीके से एक्टिव है और एम्प्लॉयर ने इसे अप्रूव्ड भी किया हुआ है। साथ ही साथ एक चीज़ हम जानेंगे कि देखिए फ्रेंड्स, ये ईपीएफओ का जो भी एक एरर हो सकता है इसकी वजह से रिजेक्ट हो रहा है, काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, ये पीएफ ऑफिस पे क्लेम नहीं गया है, इससे पहले जितने भी क्लेम गए हैं सब सेटल हुआ है। देखिए यहाँ पे ये वाला क्लेम सेटल हुआ है, ये अंडर प्रोसेस भले ही देखने को मिल रहा है बाद वाला, और ये जो भी क्लेम है सब सेटल देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो भी क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। और ये सेटल तब हुआ है जबकि पीएफ ऑफिस पे गया है। देखिए, सेंड टू फील्ड ऑफिस का एक ऑप्शन होता है, यहाँ देखने को मिल रहा है। अब सेंड टू फील्ड ऑफिस में ये वाला क्लेम है, इसका कुछ भी एंट्री नहीं है। इसका मतलब कि ये एक बहुत ही बड़ा एरर हो सकता है, जो आप क्लेम कर रहे हो वो ईपीएफओ के पास नहीं पहुँच रहा है और उससे पहले ही रिजेक्ट हो रहा है कुछ उल्टे पुल्टे रीजन के वजह से। देखिए, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट पे जा करके व्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे और पासबुक वाला जो पोर्टल है यहीं से हम एक्सेस कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पासबुक वाले पोर्टल पे अपना यूएन नंबर और पासवर्ड एंटर कर लिए, कैप्चा एंटर कर लिए, साइन इन कर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपका जो भी क्लेम आप करते हो अगर पीएफ ऑफिस पे जाता है तो पासबुक वाले पोर्टल पे जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपका पीएफ ऑफिस पे नहीं गया है तो यहाँ पे आपको कुछ भी एंट्री नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि पासबुक यहाँ पे ओपन हो रहे में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखिए इतना अभी स्लो थोड़ा चल रहा है पासबुक वाला पोर्टल, लेकिन देखिए यहाँ पे ये लगभग ओपन हो चुका है। कभी कभी स्लो चलता ही है, आपको पता है, अगर पीएफ के पुराने मेंबर हैं तो आप कई बार आते हैं। तो देखिए ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हम क्लेम्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, क्लेम्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे और फटाफट देख लेंगे कि क्या इनका यहाँ पे कोई एंट्री है रिजेक्शन की। देखिए क्लेम वाले में आपको देखने को मिल जाता है तीन सेक्शन, एक पेंडिंग वाला जो कि हमने देखा है कि अभी पेंडिंग है, और उसके बाद से एक सेटल वाला सेक्शन जो कि देखा है हमने, सब क्लेम इनका सेटल ही है, एक ही पेंडिंग है। और बाद में यहाँ पे रिजेक्ट वाला देख सकते हैं, यहाँ पे जीरो क्लेम है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनका कोई क्लेम रिजेक्ट हुआ ही नहीं है क्योंकि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक ये काम करते हैं और सही तरीके से अपना अप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इनका कोई भी रिजेक्शन का एंट्री नहीं है और यहाँ पे ईपीएफओ बता रहा है कि भैया आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपका एम्प्लॉयर ने आपका जो बैंक का अकाउंट है उसको डिजिटली अप्रूव्ड ही नहीं किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अब आपको पता चल पाया होगा कि भैया यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा एरर चल रहा है ईपीएफओ के यूनिफाइड पोर्टल पे। अब ये जो भी आप क्लेम कर रहे हैं ऑनलाइन पैसे निकालने का, ये आपके फील्ड ऑफिस पे नहीं जा रहा है और ये बाहर से बाहर रिजेक्ट हो जा रहा है। अब चूंकि यहाँ पे बताया गया है ईपीएफओ के द्वारा कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो डिजिटली अप्रूव नहीं किया है केवाईसी, तो इसका भी हम प्रूफ देख लेते हैं कि इनका बिल्कुल बढ़िया से प्रूफ एक्टिवेट किया हुआ है, अप्रूव्ड किया हुआ है इनके एम्प्लॉयर ने। देखिए इसके लिए मैनेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और केवाईसी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा प्रूफ देखने को मिल जाएगा कि इनके एम्प्लॉयर ने डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से, देखिए डिजिटल सिग्नेचर डीएससी के माध्यम से अप्रूव किया है और यहाँ पे कोई भी रीजन ईपीएफओ बता दे रहा है। अब ये हो सकता है कि भैया ईपीएफओ के ऑफिस पे तो गया नहीं है तो बाहर से बाहर रिजेक्ट हुआ है, तो एक तरीके से एक एरर है जो कि जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है ऑटोमेटिक ही, या फिर एक नया अपडेट हो सकता है ईपीएफओ के द्वारा लाने का प्रयास किया जा रहा है जिसकी वजह से यदि काफ़ी लंबे टाइम तक अगर आपका क्लेम पेंडिंग रहता है तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देगा किसी भी अन्य रीजन की वजह से। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और फटाफट आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपका इनका केसेस में अगर इनका बैंक अकाउंट अप्रूव्ड यहाँ देखने को मिल रहा है और इनका किसी भी कारणवश रिजेक्ट है,
मिसमैच है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि इनवैलिड हो गया आपका बैंक अकाउंट जब भी आप क्लेम करते हैं। तो इनका क्लेम भी हो रहा है, देखिए इनका क्लेम भी हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, यानी कि इनका सब कुछ ठीक है, फिर भी ईपीएफओ के यूनिफाइड वाले पोर्टल पे ऑनलाइन जो क्लेम है आपका रिजेक्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखा। अगर पूरा वीडियो देखा तो डेफिनेटली अब आपको पता चल पाया है कि किस तरीके से यूनिफाइड पोर्टल पे एक बड़ा एरर या फिर अपडेट चल रहा है, जिसकी वजह से आपका धड़ल्ले से क्लेम बिना किसी और रीजन से, जेन्युइन रीजन से रिजेक्ट हो रहा है, उल्टे पुल्टे रीजन से रिजेक्ट हो जा रहा है। फिर भी फ्रेंड्स यदि आपने इस वीडियो के किसी भी पॉइंट को स्किप करके देखा तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने लाइव प्रूफ दिखाया है। हालांकि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जैसे कि भैया ईपीएफओ के जो अधिकारी हैं ना उनके तक ये वीडियो पहुँच पाए, अगर उनके पास पहुँच रहा है तो उनसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि भैया ये सारे जो भी एरर चल रहे हैं या फिर अपडेट कर रहे हैं, ये भैया जो भी मेंबर है बड़े मेहनत से क्लेम करते हैं, कहीं बार बार से करवा लेते हैं, पैसे वैसे दे के करवा लेते हैं, और ऐसे रिजेक्शन आप करते रहोगे तो भैया वो तो पैसे जितने निकलेंगे नहीं उससे ज़्यादा तो उनके पैसे भी खर्च हो जाएंगे। लेकिन जो लोग ऑनलाइन क्लेम करते हैं उनका भैया पैसा तो नहीं खर्च होता है, लेकिन टाइम तो जाता ही है ऑनलाइन क्लेम करने में। तो अब विशेष ध्यान दें कि भैया इस तरीके से उल्टा पुल्टा रीजन से उनका क्लेम ना रिजेक्ट हो और जल्द से जल्द उनका जो क्लेम है वो सेटल हो जाए। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड और भी अधिक हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, काफ़ी सारे हेल्पफुल वीडियो लिंक देखने को मिल जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचा करेगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी भी सहायता हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।